नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज मैं आपको स्यूडोमीट्रिक के बारे में, जो पिछले वीडियो में बताया था, वही टॉपिक कंटिन्यू करने जा रही हूँ। स्यूडोमीट्रिक्स के बारे में ही बता रही हूँ, जो कि मीट्रिक स्पेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस है जो कि कंफ्यूज कर जाता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके पास में XD जो है वो स्यूडोमीट्रिक स्पेस है, उसी डेफिनेशन बताई थी, उसको एक्सप्लेन करा था। और जब ये स्यूडोमीट्रिक स्पेस है तो हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे थे कुछ इस तरह से कि अगर x और y एक दूसरे से रिलेटेड है, इफ एंड ओनली इफ d ऑफ x y इज इक्वल टू जीरो। और हमने ये जो प्रूफ करा था कि ये जो रिलेशन है टिल्गा, इसको हम टिल्गा कहते हैं, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये सारी चीजें मैंने इससे पिछले वीडियो में प्रूफ कर रखी है। अगर आप ये सारी चीजें और आज के वीडियो को समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इससे पिछले वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको आज का ये वीडियो पसंद आए, समझ में आएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है प्रूफ। तो अगर हमारे पास में ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है तो ये सेट x को पार्टीशन कर देगा इक्विवेलेंस क्लासेस में, मतलब एक जैसे जो क्लासेस है उनका एक एक ग्रुप बना दिया जाएगा। ये एक तरह के क्लासेस, ये एक तरह के क्लासेस, ये एक तरह के क्लासेस, इस तरह से अलग अलग क्लासेस में इसको बांट दिया जाएगा। अगर ये एक x क्लास है तो इसमें वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो x से रिलेटेड है, y क्लास है तो इसमें सभी वो एलिमेंट्स आएंगे जो y से रिलेटेड है, z क्लास है, इसी तरह से हम अलग अलग क्लासेस में इसको बांट देंगे। तो द इक्विवेलेंस रिलेशन, द इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन x इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस, अब लेट अस डिनोट दिस एक्स क्लास एक्स द क्लास टू वेच एक्स बिलोंग्स टू। अब हमारे पास में हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, लेट अस डिफाइन अ सेट x स्टार, जिसके अंदर हम कैसे एलिमेंट्स डिफाइन कर रहे हैं, वो सभी के सभी इक्विवेलेंस क्लासेस। इसके अंदर ये सभी के सभी इक्विवेलेंस क्लासेस है, सच दैट x बिलोंग्स टू x, एंड फॉर ईच पेयर equivalence class of x and equivalence class of y of elements of x star, let us define, हम एक मीट्रिक डिफाइन कर रहे हैं d star from x star cross x star to R by setting, कुछ इस तरह से सेट करके हम डिफाइन कर रहे हैं d star, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस फॉर्म के हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x y which is equal to dxy। अब हम कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसको सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि वो वेल डिफाइंड है, और उसके बाद में उसको मीट्रिक प्रूफ करने के लिए हम मीट्रिक की सभी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे। फर्स्ट वी विल शो दैट डी स्टार इज वेल डिफाइंड। अब इसको वेल डिफाइंड प्रूफ करने के लिए लेट this is equal to
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ पी कॉमा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ क्यू। अब ये अगर ऑर्डर्ड पेयर सेम है इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के सेम है एंड सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड एलिमेंट के सेम है। अब एक्स अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई के इक्वल है विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्विवेलेंट टू पी एंड वाई इज इक्विवेलेंट टू क्यू। कंसिडर डी एक्स वाई। अब हम डी एक्स वाई को कंसिडर करते हैं विच इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स पी प्लस डी पी क्यू प्लस डी क्यू वाई। अब हमारे पास में डी जो है वो सुडोमीट्रिक है तो वहां पर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ट्रू होगी इसलिए हम डी एक्स वाई को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी पी क्यू बिकॉज डी एक्स पी इज इक्वल टू जीरो एंड डी एक्स क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों हमारे पास में जीरो हो गए सॉरी डी एक्स पी इज इक्वल टू जीरो एंड डी वाई क्यू इज इक्वल टू जीरो। देयरफोर डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी पी क्यू। अब हम अगर डी पी क्यू और हम अगर पी क्यू और एक्स वाई का रोल इंटरचेंज कर दें। नाउ बाय इंटरचेंजिंग रोल ऑफ पी क्यू एंड एक्स वाई वी गेट हमें क्या मिल जाएगा डी पी क्यू लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। तो अगर हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंबाइन करते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी पी क्यू। अब हमारे पास में डी एक्स वाई हमने डिफाइन किस तरह से कर रखा है डी स्टार इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स कॉमा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू डी स्टार इक्विवेलेंस क्लास ऑफ पी कॉमा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ क्यू। देयरफोर डी स्टार इज वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड में हम एलिमेंट्स को इक्वल प्रूफ करते हैं उसके बाद में हम जो फंक्शन है वो हम प्रूफ कर देते हैं इक्वल। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है जैसे यहां पर हमारे पास में दो सेट है ए और बी। यहां पर हमारे पास में दो फंक्शन एक फंक्शन डिफाइन करते हैं हम। ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है। यहां पर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और हम ये लेते हैं कि हमारे पास में दो एलिमेंट सेम है यानी कि ये एक अकेला एलिमेंट है वो दो इमेजेस की तरफ जा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो एक रहनी चाहिए। यहां पर क्या है एक ही एलिमेंट को दो नाम से बताया गया है। अगर वो एक एलिमेंट जो है जिसको दो नाम से बताया गया है वो दो इमेजेस की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ अगर वो इमेजेस भी एक ही आ गई तो हमारे पास में जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड हो जाता है। इसलिए वो फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं तो हमारा फंक्शन वेल डिफाइंड हो गया। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो डी स्टार है वो मीट्रिक है। नाउ वी विल प्रूव दैट डी स्टार इज अ मीट्रिक ऑन एक्स स्टार। इसको हम मीट्रिक प्रूफ करेंगे एक्स स्टार की। सबसे पहले सिंस डी स्टार x equivalence class x equivalence class y is equal to dxy for all x comma y belongs to x तो हमारे पास में क्या आ गया और इसका जो हमारा कोडोमेन है d का वो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। देयरफोर d स्टार इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन।
ये हमारे पास में एक रियल वैल्यूड फंक्शन आ जाता है। फर्स्ट हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने के बाद में सेकंड कंडीशन में हमारे पास में सिंस डी स्टार इक्विवेलेंस क्लास एक्स इक्विवेलेंस क्लास वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई, ये जो हमारे पास में है डी एक्स वाई, ये सूडोमीट्रिक हो जाने के कारण ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास में डी स्टार एक्स डी स्टार इक्विवेलेंस क्लास एक्स डी स्टार सॉरी डी स्टार इक्विवेलेंस क्लास एक्स कॉमा इक्विवेलेंस क्लास वाई, ये वाला जो है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। एंड डी स्टार इक्विवेलेंस क्लास एक्स कॉमा इक्विवेलेंस क्लास वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ डी एक्स वाई इज इक्वल टू, सॉरी हम इसको इक्विवेलेंस क्लास वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, हम इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, इम्प्लाइज डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज एक्स इज रिलेटेड टू वाई। अगर एक्स वाई से रिलेटेड है इसका मतलब हो गया कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई। तो हमें एक इम्प्लीकेशन मिल चुकी है, यानी कि हमें एक मिल चुका है कि अगर हमारे पास में ये जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई। अब रिवर्स प्रूफ करना है, लेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई। अब ये हमें दोनों के दोनों जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो सेम है, देयरफॉर डी ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स कॉमा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स कॉमा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स सॉरी डी स्टार विच इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स। अब ये हमारे पास यहां पर सूडोमीट्रिक है, इसका मतलब कि अगर ये दोनों सेम है तो ये हमारा जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। देयरफॉर हमें ये दोनों प्रॉपर्टी मिल दोनों अदर वे राउंड मिल चुका है, डी स्टार ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स कॉमा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ हमारे पास में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई। ये हमें दोनों प्रॉपर्टीज मिल चुकी है। थर्ड में हमें ट्रांजिटिविटी प्रूव करनी है, डी स्टार इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स कॉमा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई सॉरी थर्ड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि डी स्टार इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स कॉमा डी स्टार इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू डी स्टार इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स वाई कॉमा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। अब हम इसको कंसिडर करते हैं, कंसिडर डी स्टार इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स कॉमा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई विच इज इक्वल टू डी एक्स वाई विच इज इक्वल टू डी वाई एक्स विच इज इक्वल टू डी स्टार इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई कॉमा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। फोर्थ में हमें प्रूफ करना है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, लेट एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जेड बी थ्री एलिमेंट्स ऑफ एक्स स्टार, देन डी स्टार इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स कॉमा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जेड इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन ये हो गया हमारा डी ऑफ एक्स जेड। अब डी जो है वो हमारे पास में सूडोमेट्रिक है, तो ये हो गया हमारा डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड, ये हमारे पास में आ गया बिकॉज डी इज सूडोमेट्रिक। डी जो है वो हमारे पास में सूडोमेट्रिक है, इसके कारण ये आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास में बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू डी स्टार इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स कॉमा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई
प्लस डी स्टार इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई कॉमा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जेड. देयरफॉर डी स्टार सेटिस्फाइज, ये हमारे पास में क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी. ये हमारे पास में ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा. तो ये सभी कंबाइनिंग करेंगे, जब इन सभी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा. देयरफॉर कंबाइनिंग ऑल द अबव प्रॉपर्टीज From first to fourth, we get, हमें क्या पता चल जाएगा, D star is a metric on X star. D star जो है वो metric है X star के अंदर. तो इस तरह से हमने start करा था एक pseudo metric space से, और सूडोमीट्रिक स्पेसेस की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने एक नया मीट्रिक स्पेस जनरेट करा है. हम यूज खाली सूडोमीट्रिक की प्रॉपर्टी को ही कर रहे हैं, जिससे हमें एक नया मीट्रिक स्पेस मिल रहा है. ये सूडोमीट्रिक स्पेस के बारे में आज के वीडियो में इतना ही था. ये इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, जहां पर मैंने बहुत सारी चीजें कवर करी है. सबसे पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है कि सूडोमीट्रिक क्या होती है. उसके बाद में मैंने इसमें एक रिलेशन डिफाइन करा है. एग्जाम में आपको पार्ट में भी पूछ सकते हैं ये चीजें, और आपको कंबाइन करके भी इसके बारे में पूछा जा सकता है. उसके बाद में मैंने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करा है. इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन होने के बाद में मैंने एक सेट डिफाइन करी है जिसके अंदर इक्विवेलेंस क्लासेस आ रही है, और वो जो सेट डिफाइन कर रही है जो कि कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एक्स है, उसको हमने बाद में मीट्रिक स्पेस प्रूव करा है. तो आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि आप सूडोमीट्रिक को डिफाइन करो, कुछ इस तरह भी आ सकता है कि उसके अंदर आप इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करो. इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आप सूडोमीट्रिक की मदद से एक मीट्रिक स्पेस को जनरेट करिए. तो ये जो दो वीडियोस हैं इसके अंदर काफी क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आज के वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स कराने वाली हूं. अब तक मैंने जितना भी पोर्शन करा है मीट्रिक स्पेस के अंदर उससे रिलेटेड, यहां पर मैं आपको अलग अलग तरह से फंक्शंस डिफाइन करूंगी और प्रूफ करके दिखाऊंगी कि वो मीट्रिक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.